जो जो पंजाब सरकार ने करजे लाए, जो जो सबसिडियां दे पैसे दिते, जो जो लोगों नूं सहूलतां दित्तियां, मैं उन्हां नूं तुहाडे सामने एक संखेप जे रूप रखना चाहुंदा। पता नहीं पंजाब दे वित्ती हालात तां बहुत खराब ने, इह कित्थों लिआउणगे पैसा या तिमका कित्थों लिआउणगे, क्योंकि जे उन्हां मुताबक चलदे तां फिर पैसा उह आ नहीं सकदा, क्योंकि वह तो फिर किधरे होर लेके जाते हैं ना। तो असी उस पैसे नूं सीधा खजाने च लेके आंदा। वित्ती हालातों बारे मैं जानकारी देनी चाहना। आम आदमी पार्टी की एक साल की सरकार दे विच जो वित्ती वादे होए, जो जो पंजाब सरकार ने करजे लाए, जो जो सबसिडियां दे पैसे दिते, जो जो लोगों नूं सहूलतां दित्तियां, मैं उन्हां नूं तुहाडे सामने एक संखेप जे रूप च रखना चाहुंदा। क्योंकि आम तौर ते सवाल हुंदा कि जी पता नहीं पंजाब दे वित्ती हालात तां बहुत खराब ने, इह कित्थों लिआउणगे पैसा या तिमका। अज दी जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद तुहानू एक गल दा अहसास होगा कि विरोधी पार्टियां ने तो सही कहिंदे सी वी कित्थों लिआउणगे, क्योंकि जे उन्हां मुताबक चलदे तां फिर पैसा उह आ नहीं सकदा, क्योंकि वह तो फिर किधरे होर लैके जांदे आ ना। तो असी उस पैसे नूं सीधा खजाने च लैके आंदा। मैं शुरू कर लैंदा, पूरा डाटा मैं लैके आया। मेरे नाल बलदेव सिंह सरां जिहड़े CMD ने PSPCL दे, वेनू प्रसाद जी जिहड़े फाइनेंस सैकटरी भी ने, फाइनेंस सैकटरी साहब भी बैठे ने, प्रिंसिपल सैकटरी साहब बैठे ने। सब तो पहला तो अज कुछ मीडिया छपया भी है, साडा एक्साइज दे विच जो साडी पॉलिसी बनाई सी असी वो थोड़ी जी लेट बनाई सी, क्योंकि सरकार 16 मार्च नूं बनी तो इमीजिएटली पॉलिसी नहीं बना सकते सी, उन्हूं असी तीन महीने लिए अगे कर लिया सी। सो साडा जिहड़ा ओवरऑल रेवेन्यू है वह 8841 करोड़ रुपये है, 8841 करोड़ ऑल टाइम हाई है। तो यह जिहड़ा पिछली बार नालों 2587 करोड़ रुपया ज़्यादा है जी, 2587 करोड़, यानी कि 41.41% वाधा होया। 2011-12 2755, 12-13 3324, 13-14 3769, तो साडा टारगेट 23-24 का 9754, यानी कि लगभग 10,000 करोड़ का साडा टारगेट। इस तो पहला भी ये टारगेट अचीव किया जा सकता सी, पर जिस तरह पहला क्या जो इन्होंने माफी बना लिया तो माफिया के अपने ही लै गए सारा कुछ, तो फिर वो पैसा जोड़ा वो इन्हों के घर गया जो चेहत्या के घर गया। सो साडा 2587 करोड़ रुपए का पिछली बार नालों वाधा रिकॉर्ड है एक्साइज का। हुण जिहड़ी सब तो वड्डी साडी अचीवमेंट कह लो, जिहड़ी जे मैं कहां कि GST कलैक्शन दे विच पहला पंजाब लगभग लास्ट जां सैकंड लास्ट हुंदा सी देश दे विचों। इस बार 2018-2019 फाइनैंशियल ईयर दे विच 13,273 करोड़ सी, 19-20 12,752 करोड़ सी, 20-21 11,820 सी, 21-22 15,542 सी, ते साडी सरकार आई 22-23 18,126 करोड़ रुपया, 18,126 करोड़ रुपया साडी GST दी कलैक्शन है, जिहदे विच के 16.6% वाधा होया GST च।
कलैक्शन च। मैं फिर दस दिना कि 16.6% 16.6% इनक्रीज़ होया जी एस टी कलैक्शन दे विच, असी टॉप दे सूबियां दे विच आ गए कलैक्शन वजों। पहला असी सिर्फ डाउन पिछले पंच होंदे सी, असी हुण टॉप वाले दे विच आ। होर भी इहनूं असी जी एस टी दी कलैक्शन नूं वधावा। फिर असी एक एक्सपैरीमेंट करके देखिया कि असी रिश्ती ते 2.25% 2.25% असी टैक्स कट करता रजिस्ट्रियां कराउण दे। कई बारी लोकी कहिंदे चलो यार पावर ऑफ अटॉर्नी दी चलण दो, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे अपने स्टाम पर। असी 2.25% की एक महीने वास्ते छूट देती 1 मार्च तो 31 मार्च तक। 2.25% की छूट देने नाल तुसी हैरान हो जाओगे कि सानू रेवन्यू दे विच कल्ले मार्च दे विच 78% इनक्रीज मिले जी। 78% मेरे को महीना वाइज है, मैं तुहानू दे दूंगा बाद च, तुसी ले लियो। अप्रैल दे विच किन्नी कलैक्शन सी, मई दे विच किन्नी सी, जून च किन्नी, जे इहदे चों फरवरी दी लाइए तां 338.99 यानी कि 339 करोड़ सी। बट मार्च दे विच असी इह करता 2.25 वाला जिहड़ा सी माफ़ करन वाला सीगा, वेव ऑफ करन वाला, तां अचानक जिहड़ी 338.99 तों वध के हो 658.69 हो गई। 78% वाधा हो गया। ते असी इहनूं साडे कोले क्योंकि लोगों की सरकार है, असं आम लोगों ने गल करते रहने। बजट की स्पीच के भी मैं कहा सीगा कि मैं पिंड वालों पुछ के, मैं किसानों पुछ के, मैं मोहल्ले वालों पुछ के, मैं दुकानदारों पुछ के, व्यापारियों पुछ के, मैं जिन्हें जिन्होंने बजट प्रभावित करता है हर बंदे पुछ के असी बजट पेश करते हैं। दिल्ली भी इदी करते हैं, इतने भी इदी किया। असी उन्होंने पूछा कि ये स्कीम जी है एक महीना तक कामयाब रही, तो सानू ये को जो ग्राउंड तो रिपोर्ट आई हैं कि जी जिहड़ी खेती वाली जमीन है उहदी रजिस्ट्री अप्रैल महीने च हुंदी है ज़्यादातर, क्योंकि हुण फसल जिहड़ी आ बदलूगी, नवें ठेके ते जमीनां दित्तियां जाणगियां, अदला बदली होगी, मुश्तरके खात्यां च भी बदला, किसी ना कोई जिहड़ा आपस दे विच कोई परिवार च वंड होनी है जां उह भी सारी अप्रैल च हुंदी है, ते जमीन किसी नूं वेचणी है अप्रैल च हुंदी है। सो कहिंदे जी जिहड़ा एक महीना होर वधाता जाए तो असीं इहनूं 30 अप्रैल तक वधाता। नहीं किसी भी किस्म की, बट ये सजैशन एग्रीकल्चर वालों सीगा कि जी इहदे नाल होर वध जूगा, क्योंकि हुण मार्च के ज़्यादातर शहरी जिहड़ी प्रॉपर्टियां सी उहनां दी जिहड़ी रजिस्ट्रियां होईआं, क्योंकि फसल खड़ी है। हुण फैसला होगा कि किहनूं ठेके ते देनी है, ठेके देनी है जां उहनूं वेच ही देनी है जमीन, जां फिर मुश्तरका खाते चेंज होणगे कि असीं आपस वटांदरे भी हो जाते भरावान के। सो असी उन्होंने एक महीना होर बताता, सूँ उम्मीद है कि अप्रैल के रेवन्यू जोड़ा है होर बधेगा, और लोगों को भी फायदा इस गल का कि उन्होंने 2.25% बच रहा है। सो ये जेडे रेवन्यू डिपार्टमेंट के इनक्रीज़ ने। हुण आने मेन गल, PSPCL नाम बड़ा करता, बट बिजली बोर्ड कहने इन। सो इस करके बिजली बोर्ड की गल जे करिए, जदों ही बिजली बोर्ड का नाम आता दिमाग च घाटा आने लग जाता, घाटे च ही होना, पर नहीं, ये पहला घाटे से। बिजली बोर्ड जिहड़ा उन्हें जिहड़ी सबसिडी देंदे सीगे, सबसिडी का पैसा कदे पूरा नहीं किया गवर्नमेंट ने, किसी गवर्नमेंट सार लो जी, थोड़ा जहा ए कर लो जी, इधरों घटा लो जी, मुलाजमान दी तनखाह रुक जांदियां सी। ते जिहड़ा सबसिडी हुण तक दित्ती गई पिछले 5 साल च 18 तो 19 च 9,036 करोड़ रुपया सबसिडी दित्ती गई,
1993 एक साल की जी सबसिडी जिनी भी हैगी 2020-21 9657 2021-22 13443 पर 2022-23 पहला साल है मेरे नाल बिजली बोर्ड के CMD बैठे ने 2022-23 पहला साल है 20,200 करोड़ रुपया पंजाब सरकार ने इन्हों देता जी 1 रुपया भी असी सबसिडी का PSPCL का देना नहीं है। सो दोस्तों ये तुसी सुनी मुख्यमंत्री साहब भगवंत मान होरां दी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिदे च मुख्यमंत्री साहब ने आर्थिक तौर दे उत्ते पंजाब दा उचेचा जिक्र किया, पंजाब नूं किवें नुकसान दे विचों कढ़ना जां फिर आर्थिक तौर ते पंजाब किवें मजबूत हो सकदा, हुण तक पंजाब सरकार ने आर्थिकता नूं लैके किस तरीके दे नाल काम किया, किस तरीके दे नाल सरकार अग्गे वधी, उह सारी जिहड़ी गतिविधियां जां एक्शन प्लान सी ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੀ।